साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ऐतिहासिक पीएम बनने की होड़ में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक और अनोखी घटना घटी। देश का अन्नदाता यानी कि किसान लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गया और ठीक उस जगह पर अपना झंडा फहरा दिया जिस जगह पर देश के प्रधानमंत्री अपना झंडा फहराते हैं। ये दलाल और गुलाम मीडिया उन तमाम सारे किसानों को आतंकवादी बता देगी, खालिस्तानी बता देगी, उग्रवादी बता देगी, कुछ भी बताने की कोशिश करेगी। लेकिन हकीकत यही है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सीधे सीधे किसी पर आरोप ना लगाया जाए, लेकिन आज अन्नदाताओं को बुरी तरीके से पिटता हुआ देख मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई एक सरकार तमाम सारे गुलाम मानसिकता के अंधभक्तों की बदौलत आज इस हद तक तानाशाह हो चुकी है, इस हद तक उसके अंदर घमंड आ चुका है, इस हद तक वो बेलगाम हो चुकी है कि 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसान एक मुद्दे को लेकर के अपनी डिमांड रख रहे थे, लेकिन बार बार ये दलाल मीडिया उनको बार बार उग्रवादी बताने की कोशिश कर रही थी। यही वजह है कि सुबह शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने निकले किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद तमाम जगह से खबरें आईं, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश भर से खबरें आईं कि किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। ये तमाम सारे दलाल मीडिया के लोग और ये नेता अपने एसी कमरों में बैठे होंगे, लेकिन सामने लाठी खाने वाला भी किसान है, उसको लाठी मारने वाला उसी किसान का बेटा है। देश में इस मौजूदा स्थिति का गुनहगार सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार का घमंड और झूठा दंभ है, और उसको इस स्थिति पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं वो दलाल और गुलाम मानसिकता के लोग जो लगातार इन सरकारों को गलत कामों पर भी सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर पर किसानों का झंडा फहराना ठीक था या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आईटीओ पर अगर एक किसान पुलिस की गोली का शिकार ना होता, किसान संगठनों का ही आरोप है कि आईटीओ पर एक किसान को गोली मार दी गई जिससे उसकी मौत तक हो गई। पहले जरा देखिए कि किसानों को किस तरीके से बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है इस पुलिस द्वारा, जरा वीडियो देखिए। ये सिर्फ दिल्ली से सटे हुए बॉर्डरों की कहानी नहीं है, पूरे देश भर में किसानों को ट्रैक्टर निकालने वाले तमाम सारे संगठनों को बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है। इन तमाम सारे वीडियो को देख करके भी
अगर आपकी अंतरात्मा नहीं झकझोरती है, अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सरकार तानाशाह नहीं हुई है, तो माफ करिएगा, ना आप इंसान कहलाने के हकदार हैं, ना अब आपके अंदर इंसानियत बची है। अन्य अपडेट आपको देता रहूंगा, तब तक देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।